महीने मोटर साड़ियां बंद रहिंदियां ने। असी किराया जिन्ना भी है तुसी जाके देख लो, सब तो ज्यादा किराया जिहड़ा ओह साडे असी लोग दे रहे हां। किसान एकता जिंदाबाद, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक। हम अपने किसानों की आवाज़ हैं, वो आवाज़ हैं जो हमें हमारे किसानों के साथ जाती होती है या जो ग्रीवेंसेज है वो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। आज का जो असली माटो है हमारा, क्योंकि जो आज का असली माटो यह है कि बिजली इतनी कम आ रही है, वोल्टेज भी बहुत कम है, और जो सरकार खासकर हम गवर्नर साहब से ये हम उन्हें मेमोरेंडम भी भेज रहे हैं कि अपना घर लोग पहले देखते हैं, घर गुजारा नहीं हो रहा और ये मैक्सिमम बिजली ये बाहर बेच रहे हैं। हम गवर्नर साहब से ये पूछना चाहते हैं कि हमारी बिजली तो पूरी नहीं हो रही, आज रात मुश्किल से 2 घंटे बिजली आई है, और हमारे जितने किसान हैं ये सिर्फ और सिर्फ ये खासकर ये खरीफ सीज़न है, जो पैड़ी का सीज़न है, इस पर ज़्यादा निर्भर हैं। जो 4 पैसे आएंगे इनके बच्चों को पालन पोषण है, पढ़ाई है, जो बाकी परिवारिक खर्चे हैं, और हमारी अगर भगवान जो इंद्र देवता इस बार थोड़ा मेहरबान था, इंद्र देवते के कारण ही हमारी थोड़ी अगर ये धान लगी है तो उसके कारण लगी है, अदरवाइज जो डिपार्टमेंट है जो जिनका काम है ये हमारी पूर्ति करना वो टोटली फेल हो गया, टोटली फेल हो गया। अभी आप देख लो कि ये 8 घंटे का जो कट है वो 2-2 घंटे के बाद अभी कटा जा रहा है, 12 घंटे कटाई हो रही है इसकी, और उसके साथ कभी 33 के भी चली जाती है, उसके बाद कभी रिसीविंग स्टेशन में खराबी आ जाती है, कभी जो LT वायर्स हैं उनमें खराबी आ जाती है। तो बिजली इतना मुश्किल है, लो वोल्टेज भी है और बिजली आ ही नहीं रही। तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि अगर 2-4 दिन देखेंगे हम, अगर 2-4 दिन नहीं तो पूरे एरिया का किसान जो है वो बाहर सड़कों पर आएगा और सरकार के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। और सरकार को ये चाहिए कि इससे पहले के लोग अपने घरों से बाहर आ जाएं, जो सरकार को संभलना चाहिए, ये मैं बार बार कहता हूँ गवर्नर साहब से। जय हिंद जय भारत। परेशानियाँ हम कितनी बार बोलें, पिछले साल भी हमने इसी टाइम पे प्रोटेस्ट किया था इनको ये बताने के लिए, क्योंकि जो भी हमारे नुमाइंदे जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो ऑफिसर हैं, जितने भी हैं, वो इस टाइम आके सो जाते हैं, प्रॉब्लम करी खड़ी कर देते हैं जिम्मेदारों के लिए। इनको सिर्फ चाहिए 3 महीने बिजली, हम पूरा साल बिजली नहीं मांगते, हम AC में सोने वाले नहीं हैं, हम जिम्मेदार लोग हैं, खेतों में रहने वाले हैं, हमें सिर्फ 2-3 महीने के लिए खाली बिजली चाहिए। वो इस टाइम आके हमें ड्रामा करके बता देते हैं, ये कभी हमारी 33 के भी का कट आ जाता है, कभी हमारी इधर फील्ड का कट आ जाता है। अभी आप देख लो 2 ग्रिड स्टेशन बन के तैयार हो चुके हैं, मगर इन ऑफिसर को सभी सोए हुए हैं, इनका कोई नहीं पता कि जो हमारे ग्रिड स्टेशन तैयार हुए हैं अभी वो चालू भी हो चुके हैं, मगर उनके ऊपर किसी ने लोड नहीं डाला। ये पता नहीं कहाँ सोए रहते हैं, ड्यूटी पता नहीं कौन इनके ऊपर कर रहा है जो इनके ऊपर सोए हुए हैं। एक मैं सरपंच हूँ, मेरी पंचायत के मेरे को सोने नहीं देते, रात को 12-12 बजे फोन करते हैं बिजली कब आएगी, सरपंच ने जेब से निकाल के दे रही है, देनी तो पावर हाउस ही है ना, पावर हाउस में अगर कॉल करेंगे वो बोल देंगे 33 के भी का कट हो गया। अगर 33 के इन्होंने इतने कट लगाने हैं, बिल हम 12 महीने का दे रहे हैं और टोटली 3 महीने के लिए हमें बिजली नहीं दे रहे, इनके लिए और ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम। मगर एक बात वार्निंग दे देते हैं हम कि अगर ये किसान उठ गया ना तो ये बोलते हैं ना ये बहुत दूर तक पहुंचने वाला किसान है, फिर जैसे हरियाणा में हुआ था या दिल्ली में हुआ था ना, वैसा प्रोटेस्ट J&K में भी होने वाला है। जे हम तो सिर्फ आज एक छोटा सा मैसेज दे रहे हैं इनको कि जितनी भी हमारी लाइटें हैं, हम आपने पहले इन्होंने बताया था कि 24 घंटे में हम आपको 12 घंटे बिजली देंगे, हम 12 घंटे लेने में तैयार थे, मगर अभी तो ये 2 घंटे भी नहीं दे रहे। जो अभी 2 घंटे कट कर रहे हैं, 2 घंटे बिजली दे रहे हैं, उसमें 20 बार कट कर देते हैं। जो हमारी मोटरें हैं वो जब पानी निकालेंगी थोड़ा सा उसके बाद में सूख जाएगा, उसके बाद में क्या करेंगे,
हमें इनको वार्निंग देते, अगर बिजली देनी है तो ढंग से 4 घंटे लगातार जैसे पहले देते थे, 2 घंटे कट वो हमें मंजूर है। अगर ऐसा चला तो इसका ये खमियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। ये अगले जो पावर हाउस है इसको हम ताला लगाएंगे ठीक अगले 2-3 दिन के बाद। जय हिंद, जय भारत।